हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये वर्कबुक थर्ड है। वर्कबुक थर्ड में हमारा सेवेंथ मंथ चल रहा है, ट्रैवल फन। ओके, वर्कबुक थर्ड में सेवेंथ मंथ हमारा चल रहा है। नाउ टेक आउट पेज नंबर 13। कौन सा पेज नंबर निकालेंगे हम? 13। लास्ट सेशन में हमने नंबर नेम 1 और 2 किए थे, ONE TWO2। आज सेशन में हम करेंगे नंबर नेम 3 और 4। क्या लिखेंगे हम? 3 और 4। तो इस पेज पे हम क्या करेंगे, वही काउंट एंड राइट द नंबर नेम, नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑन द नंबर नेम मैचिंग विद द नंबर रिटन इन ईच बॉक्स। ओके, तो हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया था, अब हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो हमें ऑब्जेक्ट्स काउंट करने हैं और यहाँ पे लिखना है, फिर उसके नंबर नेम के सामने हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ लिख देंगे हम 4, लिख दीजिए आप भी 4। और 4 के आगे ही हमने बॉक्स बना दिया यहाँ पे, इस तरह से रेक्टेंगल का बना हुआ है ऑलरेडी। ओके, नाउ ये देखिए कितना है, ये 1, 2, 3, कितना है 3। तो आप यहाँ लिख दीजिए 3, और 3 के ऊपर ही हम रेक्टेंगल एक बॉक्स बना देंगे, इस तरह से बना दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट बुड्स देखिए कितनी है, 1, 2, 3, 4, कितनी है 4। तो यहाँ हम लिख देंगे 4, और 4 के ऊपर ही हम रेक्टेंगल बॉक्स बना देंगे एक, इस तरह से। ओके, नाउ देखिए कितने हैं शेल्स, 1, 2, 3, 3 शेल्स है। तो यहाँ 3 लिख देंगे हम, और 3 के ऊपर ही हम रेक्टेंगल बॉक्स एक ड्रॉ कर देंगे। तो ये बॉक्स हमारा ड्रॉ हो गया। ओके, तो 4 की स्पेलिंग क्या है, FOUR 4। नंबर नेम क्या है 4 का, FOUR 4। और 3 का नंबर नेम क्या है, THREE 3। ओके, THREE 3। तो इस तरह से हम इनको लर्न करेंगे। नाउ नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे हम। नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पे आपको इनको काउंट करना है और लिखना है। ये देखिए, ये काउंट करिए कितना है, 1, 2, 3, थ्री सर। तो 3 हम यहाँ लिख देंगे, और 3 के ऊपर हमारा रेक्टेंगल ऑलरेडी बना हुआ है। ग्लासेस देखिए, ग्लासेस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 ग्लासेस हैं। तो 4 लिख देंगे हम यहाँ पे, और 4 के ऊपर रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे एक, इस तरह से देखिए। फिर ये देखिए कितने हैं सर्कल्स, 1, 2, 3, 3 सर्कल्स हैं। तो 3 बना दीजिए, और 3 के ऊपर ही हम एक रेक्टेंगल बना देंगे। फिर कितनी है चेयर्स, 1, 2, 3, 4। तो 4 हम यहाँ लिख देंगे, और 4 के ऊपर ही हम एक रेक्टेंगल बना देंगे। तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है जो हमने नंबर यहाँ लिखा है उसका नंबर नेम कौन सा है, है ना। तो ये 3 लिखा है हमने, तो 3 का नंबर नेम है THREE 3। फिर हमने 4 लिखा है, तो 4 का नंबर नेम FOUR 4। 3 तो THREE 3, 4 FOUR 4। तो इस तरह से आपको ये लर्न करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। मेक अ सर्कल अराउंड द व्हीकल दैट इज नियर द ट्रैफिक लाइट, फार एंड नियर। नियर का मतलब क्या होता है, पास में, और फार का मतलब होता है दूर। ओके, नियर का मतलब होता है पास, फार का मतलब होता है दूर। तो हमें सर्कल किस पे बनाना है, जो नियर है, ट्रैफिक लाइट के पास है। तो क्या है ट्रैफिक लाइट के पास, ये कार है, तो इसको हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ओके, मेक अ रेक्टेंगल अराउंड द व्हीकल दैट इज फार फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट। अब ट्रैफिक लाइट से फार कौन सा व्हीकल है, यानी कि दूर, दूर कौन सा व्हीकल है, वहां पे हमें क्या बना देना है, रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है। तो इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दीजिए। ओके, तो हमें पता चल गया, दिस ऑब्जेक्ट इज, दिस कार इज नियर द ट्रैफिक लाइट एंड दिस इज फार फ्रॉम ट्रैफिक लाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 1616। कौन से पेज पे आ गए हम, 1616।
पेस्ट द स्टिकर्स ऑफ ओटी वर्ड्स फ्रॉम पेज 169 बिसाइड द करेक्ट पिक्चर. हमें ओटी वर्ड्स के स्टिकर्स पेज नंबर 169 से निकालने हैं और यहाँ पे पेस्ट करने हैं. ओके, ये देखिए, यहाँ से हमें निकालने हैं ये वर्ड्स और वहाँ पेस्ट करने हैं. तो टेक आउट द स्टिकर्स, आप भी निकालिए. तो फर्स्ट पिक्चर को हम आइडेंटिफाई करते हैं. फर्स्ट पिक्चर क्या है ये? पॉट. क्या है? POT, पॉट. तो हम पॉट लेंगे, POT, पॉट. ये देखिए, POT पॉट का स्टिकर है, इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे. ओके, ये देखिए, POT, पॉट. ओके, नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज क्या है ये? कॉट, COT, कॉट. ये जो चारपाई होती है इसे हम क्या बोलते हैं? कॉट, COT, कॉट. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉट का स्टिकर पेस्ट कर देंगे, COT, कॉट, इस तरह से. ओके, अब ये कप में जो भी चीज़ है वो क्या है? गरम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हॉट. क्या बोलेंगे? हॉट. तो HOT, हॉट का स्टिकर हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, HOT, हॉट. ओके, नाउ दैट इज डॉट. क्या है ये? डॉट है, DOT, डॉट. तो डॉट का स्टिकर हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, DOT, डॉट. ओके, तो हमने OT वर्ड्स की यहाँ पे पेस्टिंग करी है. दैट इज पॉट, कॉट, हॉट एंड डॉट. नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, 17 पेज नंबर. मैच द OT वर्ड्स विद देयर रिस्पेक्टिव पिक्चर्स यूजिंग क्रेयॉन्स. अब आपको क्रेयॉन्स यूज करते हुए इन पिक्चर्स को आपस में मैच करना है. ओके, तो ये देखिए, डॉट कहाँ पे है? DOT, डॉट, DOT, डॉट. डॉट को हम डॉट तक मैच कर देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट, COT, कॉट, कॉट, COT, कॉट. तो हम कॉट को कॉट तक मैच कर देंगे. ओके, ये क्या है? पॉट, POT, पॉट. तो POT, पॉट को हम पॉट से मैच कर देंगे इस तरह से. देखिए, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, आपको दिख नहीं रहा है तो. ओके, नाउ हॉट, HOT, हॉट. तो आप हॉट को हॉट से मैच कर दीजिए इस तरह से. तो ये HOT, हॉट हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट, टर्न द पेज. अब हमें यहाँ इनका बिगनिंग वर्ड, फर्स्ट वर्ड जो मिसिंग है वो लिखना है. तो हम लिखेंगे फर्स्ट वर्ड, व्हाट इज दिस? पॉट. तो POT, पॉट. तो यहां हम पी लिखेंगे, कर्सिव पी, POT, पॉट. ओके, नेक्स्ट यहां पे स्मॉल लेटर लिख देंगे हम, नॉन कर्सिव. ओके, POT, पॉट. नाउ दैट इज डॉट, डी, DOT, डॉट. तो हम यहां कर्सिव लेटर बना देंगे, डी, DOT, डॉट. और यहां लिख देंगे डी, स्मॉल लेटर डी, DOT, डॉट. ओके, नाउ नेक्स्ट, कॉट. क्या है ये? कॉट. तो कॉट के लिए हम यहां क्या लिखेंगे? सी, COT, कॉट. और यहां पे भी स्मॉल लेटर सी बना देंगे, COT, कॉट हो गया. ओके, ये हॉट, H, HOT, हॉट. तो H बना दिया हमने, और यहाँ पे स्मॉल लेटर H बना देंगे, HOT, हॉट. ओके, समझ में आया आपको? ये पॉट है, POT, पॉट, डॉट, DOT, डॉट, कॉट, COT, कॉट, हॉट, HOT, हॉट. ओके, नाउ नेक्स्ट, लुक एट द पैटर्न ऑफ पिक्चर इन ईच रो, राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट विल कम नेक्स्ट. आपको यहाँ उन ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं जो फिर नेक्स्ट आएगा यहाँ पे, है ना. तो ये क्या है? टिन, टिन के बाद है पॉट, फिर टिन है, तो अब वापस क्या आएगा यहाँ पे? पॉट आएगा. तो POT, पॉट लिख देंगे हम यहाँ पे. लिखिए आप भी, POT, पॉट, इस तरह से. ओके, नाउ नेक्स्ट,
ये बिन है, फिर हॉट, फिर बिन, देन वापस क्या आ जाएगा यहाँ पे, हॉट आ जाएगा. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हॉट, एच ओ टी, हॉट आ गया. ओके नाउ यहाँ देखिए फिर से, ये क्या है, पिन, पी आई एन, पिन, देन डॉट, फिर पिन, फिर वापस क्या आ जाएगा यहाँ पे, डॉट. तो क्या लिखेंगे हम, डी ओ टी डॉट, हो गया. नेक्स्ट ये क्या है, हैट, फिर कॉट, फिर हैट, देन नेक्स्ट वापस क्या आएगा, कॉट. तो सी ओ टी कॉट लिखेंगे हम यहाँ पे, लिखिए सी ओ टी कॉट. ओके तो देखा आपने, इस तरह से आपको ये फिल करना है. नाउ टर्न द पेज, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे हम. राइट द ओ टी वर्ड मैचिंग विद द पिक्चर्स इन फ्रंट ऑफ देम. अब आपको इन वर्ड्स के सामने, जो पिक्चर्स के सामने वही वर्ड्स लिखते हैं जो इनको मैच करते हैं. ओके तो ये वापस से क्या है, पॉट है, ये डॉट है, ये कॉट है, और ये हॉट है. तो आपको ये होमवर्क लिखना है. मैम ने इतनी बार प्रैक्टिस करवा दी है ओटी वर्ड्स की, अब आपको ये पेज खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है. ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है. थैंक यू.